आज के समय में हम जो भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर पा रहे हैं, जैसे कि स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रोग्रामर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्हीं की एफर्ट्स की वजह से आज हमारी लाइफस्टाइल इतनी मॉडर्न हो पाई है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज है और आज के इस वीडियो में मैं दुनिया के टॉप 5 प्रोग्रामर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है एक लेजेंडरी प्रोग्रामर का, जो है डेनिस रिची। ये एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1972 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्वेंशन किया था। डेनिस सर ने उनके कलीग केन थॉम्पसन के साथ मिलकर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इन्वेंशन किया था। प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी की फील्ड में डेनिस सर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। आज के जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे कि विंडोज, लिनक्स और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स सी लैंग्वेज का यूज़ करके ही बनाए गए हैं। हमारी लिस्ट में जो सेकंड नाम है वो है बजार्ने स्ट्रास्ट्रोफ का। ये एक डेनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1979 में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्वेंशन किया था। C++ का यूज़ करके भी काफ़ी सारे पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं, जैसे कि एडोब फोटोशॉप, मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट OS के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स। लिस्ट में जो नेक्स्ट नाम है वो है जेम्स कॉसलिंग। ये एक कैनेडियन कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं जिन्हें फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। 1991 में जावा लैंग्वेज को बनाया गया, जिसके रिसर्च टीम के लीड प्रोग्रामर जेम्स गॉसलिंग सर थे। जावा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन्स में यूज़ करते हैं वो जावा में ही बनाया गया है। लिस्ट में जो फोर्थ नंबर पर नाम है वो है लिनस टॉरवाल्ड्स का। ये एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिनका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामर्स के द्वारा यूज़ किया जाने वाला बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। शायद आप लोगों ने भी कभी ना कभी यूज़ किया होगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चलते हैं नेक्स्ट नाम की तरफ। जो लिस्ट में फिफ्थ नंबर का नाम है वो है ग्यूडो वैन रॉसम का। ये एक डच कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं जिन्होंने 1991 में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। आज के टाइम में पाइथन सबसे डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में पाइथन लैंग्वेज का काफ़ी यूज़ होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो पाइथन लैंग्वेज से शुरू कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी इजी टू लर्न लैंग्वेज है और इसकी फ्यूचर में और भी डिमांड बढ़ने वाली है। इस चैनल पर हमने पहले से पाइथन का एक कम्प्लीट कोर्स डाल रखा है, जिसकी मदद से आप पाइथन लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप वो लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने 5 नाम ही इंक्लूड किए थे। कुछ नाम जो मुझे लगता है इंक्लूड करना ज़रूरी है वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। उसमें से फर्स्ट नाम है वो है ब्रैंडन ईच का। ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के फाउंडर हैं। ये लैंग्वेज करंटली बहुत ही डिमांड में है। नेक्स्ट नाम है टिम बर्नर्स-ली सर का, जो कि इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब हैं। जो हम इंटरनेट पे वेबसाइट्स वगैरह एक्सेस करते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, उसके पीछे जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो टिम बर्नर्स-ली सर का ही है। नेक्स्ट नाम जो है वो एंडर्स हेजलबर्ग का है। ये इन्वेंटर ऑफ C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहाँ एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इस तरह के जो हैं प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट के वीडियोस मैं रेगुलरली डालता रहता हूँ। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।